महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बजने से पहले सीटों को लेकर गुणा गणित शुरू हो गया है। वापस सत्ता हासिल की तैयारियों में जुटी महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे का पेंच फंसता जा रहा है और वजह बन रही है मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में विधानसभा की कुल 36 सीटें हैं और इन 36 सीटों पर सबकी अपनी अपनी चाहत है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक उद्धव ठाकरे मुंबई की 21 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। शरद पवार 7 सीटें मांग रहे हैं। ऐसे में 8 सीट ही कांग्रेस के हिस्से में आ रही है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली कांग्रेस इस फॉर्मूले से नाराज बताई जा रही है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी, वहीं एबीपी न्यूज के पास शरद पवार की एनसीपी की वो लिस्ट भी मौजूद है जिन सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। एनसीपी एसपी के मुताबिक वो अंधेरी वेस्ट, वर्सोवा, कुडला, अणुशक्ति नगर, दहिसर, घाटकोपर ईस्ट और घाटकोपर वेस्ट सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं। इधर शरद पवार ने मुंबई में अपनी 7 पसंदीदा सीटें बता दी हैं। उधर उद्धव खेमे का भी कहना है कि मुंबई तो उसका गढ़ है, इसीलिए मुंबई पर उसका दावा सबसे मजबूत है। ऐसे में कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में भले ही सीट बंटवारे और सीएम चेहरे को लेकर अंदरूनी मतभेद हों, लेकिन गठबंधन के नेता लगातार सरकार बनाने का दावा करते नजर आते हैं। अभी महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की धूम है, उम्मीद है इसके बाद पिक्चर काफी हद तक साफ हो जाएगी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.